अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ आमिर शान। वेलकम टू सीरीज ऑन सी शार्प। दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 2। इस ट्यूटोरियल में हम सी शार्प की बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे, सी शार्प विजुअल स्टूडियो 2010 के ज़रिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में इंस्टॉलेशन सिखाई थी कि विजुअल स्टूडियो 2010 कैसे डाउनलोड करते हैं हम और कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास विजुअल स्टूडियो 2010 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ नज़र आ रहा है स्टार्ट मेन्यू में। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे विजुअल स्टूडियो 2010 पे, तो ये आपके पास स्क्रीन नज़र आएगी। तो हम कोडिंग सी शॉप की कर रहे हैं, तो सी शॉप पे क्लिक करेंगे विजुअल सी शॉप डेवलपमेंट सेटिंग्स, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट सी शॉप की जो है सेटिंग वो हमें एक्टिवेट हो जाए। स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। आप फील कर रहे होंगे कि मैं उर्दू में जब बात कर रहा हूँ तो बहुत सा हिचकिचा रहा हूँ, अटक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। जो है मेरी उर्दू ज़बान बहुत ही वीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूव हो जाए। अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाए बात करने में उर्दू ज़बान में, तो माफ कीजिएगा। यह सेटिंग जो है सी शॉप के लिए वो एक्टिवेट हो रही है। जस्ट वेट ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। सी शॉप जो है वो बहुत ही आसान लैंग्वेज है और इस पे काम करने का कुछ अलग सा ही मज़ा है। ये हमारे पास विंडोज़ नज़र आ रही हैं, तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। सी शॉप के अंदर हमारे पास बहुत ही टेक्नोलॉजीज़ हैं। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, अगर हम विंडोज़ के फॉर्म पे काम करेंगे, विंडो की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, तो हम जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो होगी कंसोल एप्लीकेशन। मींस हम सिर्फ कोडिंग करेंगे, हम कोई फॉर्म एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे। ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हमने अपने इस एप्लीकेशन, इस सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो को लॉन्च किया, तो हमें यह सी शॉप की कोडिंग नज़र आई। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट डबल कोट और सेमी कॉलन देंगे। इन ब्रैकेट्स के बीच में जो भी हम टाइप करेंगे वो हमें नज़र आ जाएगा अपने आउटपुट स्क्रीन पे, हेलो वर्ल्ड। अब इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे जो कि ग्रीन है, या तो हम F5 को प्रेस करेंगे। देखिए हमारे पास स्क्रीन नज़र आई और चली गई, मतलब एक फ्लैश आया स्क्रीन का। दोबारा से हम करते हैं, देखिए हम अपना आउटपुट ठीक तरह से नहीं देख सके, तो स्क्रीन को वहाँ पे हम कैसे स्टॉप करें, तो मैं स्टॉप ही कह रहा हूँ।
कैसे उसको देख सकें आराम से, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट readLine ब्रैकेट सेमी कोलन। अब हम F5 से प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और देखिए हमारे पास हीलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड नज़र आएगा जी। देख तो फ्रेंड्स, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।